आर्मी चीफ की बर्लिन में जर्मन हमनसब और वजीर दिफा से मुलाकातें। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में तआवुन पर तबादला ख्याल। जर्मन अस्करी हुकाम ने ज़र्बे अज़्म में पाक फोर्स की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पनामा मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। मुतहदा अपोजिशन ने हुकूमत को फिर 6 निकात पेश कर दिए। एतज़ाज़ अहसन कहते हैं माकूल जवाब न मिला तो इमरान खान और बिलावल भुट्टो एक ही कंटेनर पर होंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले पहले किसका एहतसाब होगा, इसका फैसला अदालत करेगी, कंटेनर की धमकियां ना दी जाएं। भारत तालुकात के बारे में संजीदा है तो पहेलियों में बात ना करे। तालुकात में सबसे बड़ी रुकावट हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार का सुषमा स्वराज के बयान पर रद्द अमल। बॉर्डर मैनेजमेंट पर इस्लामाबाद में पाक अफगान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट को लाजमी करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी कहते हैं तोरखम ही नहीं दीगर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भी गेट बनने चाहिए। उधर पिशावर में ताजिर बरादरी का अफगान मुहाजरीन के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। असेंबली का टाइम खत्म हो जाएगा, सिंध का दुख खत्म नहीं होगा। और सिंध असेंबली का आज भी एक्शन से भरपूर इजलास। नए सूबे के मुताबिक परिवान में शोर शराबा। हुकूमती रुकन इमदाद पदाफी भड़क उठे, कहा एमकेएम मुस्तफा कमाल का बदला सिंध के आवाम से लेना चाहती है।